बर्फबारी ने पूर्वी टायरोल में तबाही मचा दी है। इस इलाके के सभी घर बर्फ से ढक गए। कई जगह लोगों को हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई गई। पूर्वी टायरोल के कई इलाकों में मोबाइल फोन नेटवर्क भी कट गए हैं। साथ ही बिजली कटने की वजह से ज्यादातर दुकानें भी बंद रहीं और हाईवे से जुड़ने वाली सभी सड़कें बर्फबारी से बंद हो गई। मौसम विभाग ने ऑस्ट्रिया में आगे भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी सीरिया के अलबाब शहर में एक कार में हुए बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई। इस शहर पर तुर्की का नियंत्रण है। इस घटना में 33 लोग घायल हुए हैं। किसी ने भी अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तुर्की ने हमले के लिए कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके खिलाफ उसने पिछले महीने हमले शुरू किए थे। कार बम धमाका अलबाब शहर में एक पार्किंग में हुआ। शहर पर तुर्की के सुरक्षा बल और तुर्की समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। चीन के जियांगसू प्रांत में एक छोटा बच्चा अचानक एक गहरी झील में कूद गया। अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने वहां पहुंचे इस बच्चे ने झील को स्विमिंग पूल समझ लिया और झील के किनारे पहुंचकर उसमें छलांग लगा दी। इससे पहले वो बच्चा अकेले ही झील के किनारे खेलता नजर आया, लेकिन कुछ देर बाद वो झील के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। किनारे तक पहुंचने के बाद वो पानी में झांकने लगा। छोटे बच्चे ने झील को स्विमिंग पूल समझ लिया और उसमें कूदने की तैयारी करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग जब तक कुछ समझते, बच्चे ने झील में छलांग लगा दी। बच्चे को झील में कूदता देख पीछे खड़ी उसकी माँ और कुछ दूसरे लोग भी तेजी से उसकी तरफ दौड़े। तभी झील के किनारे मछली पकड़ रहा एक लड़का भी तेजी से वहां पहुंचा और बिना वक्त गंवाए पानी में उसने छलांग लगा दी। लड़के ने पानी में डूब रहे बच्चे को जल्दी से गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर निकल आया। सबरीमला मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। केरला में शनि धानम में सबरीमला मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद भक्तों का तांता लग गया। दिल्ली के बाद यूपी के मथुरा में लोगों ने बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ शंख और मजीरे बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। यूपी के मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक रिटायर्ड टीचर की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। यूपी के बरेली में मच्छर भगाने के लिए लगाई गई मोर्टिन कॉइल से लगी आग में एक दंपति की जलकर मौत हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांग रहे किसानों की पिटाई के मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा और मुआवजे की मांग की। यूपी के पीलीभीत में एक फार्म हाउस की पार्किंग से बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। यूपी के अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में हसनपुर थाने के एसएचओ ने पुरोहित बनकर न सिर्फ जोड़ों की शादी करवाई बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया। यूपी के आगरा में ताजमहल परिसर में एक ड्रोन के उड़ने से वहां की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। 18 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न में आने वाली मुश्किलों के समाधान के लिए 5 संस्थाओं के साथ अहम बैठक की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ओवैसी जी देश में माहौल खराब करना चाहते हैं।